अस्सलाम वालेकुम। मारूजी परचा इस्लामियात, उसको हम हल करेंगे आज। उसके लिए आप लोग सबसे पहले सिलेबस जान लें। जो मारूजी परचा इस्लामियात बराए जमात नहम, जो सिलेबस इसमें शामिल है वो है सूरतुल अनफाल, जिसके पहले पांच दर्स, अदरसुल अव्वल अलिफ बे जीम, अदरसुल सानी अलिफ और बे। इनके अल्फाज मायने इन दर्स में जितने मौजूद हैं वो, और सूरतुल अनफाल के बारे में अहम मालूमात जो हैं, जो सूरत के बारे में कौन से पारे में हैं, कितने रकुआत हैं, कितनी आयात हैं, और इससे रिलेटेड जितनी मालूमात आप लोगों को बताई गई हैं वो सारी, गज़े बदर के हवाले में इससे जितनी मालूमात आप लोगों को बताई गई हैं वो, नोटबुक में जो आप लोगों ने नोट किया है या बुक में आप लोगों के पास जो मौजूद है वो सब कुछ। फिर उसके बाद अहदीस मुबारक, हदीस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, अल कुरान, तारुफ, हिफाजत, फ़ज़ाइल, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अतात, इन दोनों असबाक और इन पांच अहदीस, बुक में जितना मौजूद है मवाद वो सारा का सारा आपने इनके लिए देखना है मारूजी परचा के लिए। फिर अब आप लोग हल करने का तरीका देखने कि ये कोर्स देखने के बाद आप लोगों ने आंसर शीट लेनी है, उसके ऊपर नाम, रोल नंबर, सीरियल नंबर है या रोल नंबर आप लोग अपना उस पर लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, और फिर उसके बाद आप लोग पूरा जो है एमसीक्यू वो नहीं लिखेंगे बल्कि नंबर दे देंगे 1, फिर उसमें जो आंसर है सिर्फ वो लिख देंगे। अब मैं बोल रही हूँ आप लोग साथ साथ फिर उस पर हल करते जाएंगे, सिर्फ नंबर और जो आंसर है वो। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफाल के मायने हैं माल फ़ै, माल गनीमत, दौलत, माल। नंबर 1 दे देंगे। अब जो इसमें आंसर है सिर्फ वो लिख देंगे। नंबर 2 है हमारे पास इहदा के मायने हैं, एक मौनस, एक मुजक्कर, 2, 3। नंबर 3 पे आ जाएं, दाबिर के मायने हैं हड्डी, जड़, सर, पांव। इस तरह 3 नंबर और जो उसका आंसर है वो लिख देंगे। 4 नंबर फिर दे देंगे, अर्रकबु के मायने हैं लश्कर, काफला, फासला, ग्रोह। मस्जिद के मायने हैं नंबर 5 पे है, ठहर चुकी, गुजर चुकी, जा चुकी, आ चुकी। 6 नंबर है यौमुल फुरकान के मायने हैं हफ्ते का दिन, फैसले का दिन, खाने का दिन, जाने का दिन। फिर आ जाएं आप लोग 7 नंबर पे। 7 नंबर है हमारा मुकान की क्या मायने है, तालियां, गालियां, सीटियां, बालियां। नंबर 8 है हमारे पास युस्बितु के क्या मायने है, जाना, वो आए, वो आने दें, वो कैद कर दें, वो साबित कदम रहें। 9 नंबर है हमारा यहूलू के क्या मायने है, माइल, हाइल, हाइल हुए, हाइल होता है। 10 नंबर है हमारा यतखत्वफु के क्या मायने है, खाना, वो उचक ले, वो खा ले, वो जाने दे। नंबर 11 है हमारा ला तखूनु के क्या मायने है, तुम खयानत ना करो, खयानत, अमानत, दयानत। 12 नंबर है हमारा बनान के क्या मायने है, जोड़ जोड़, गोर गोर, मोर मोर, चोर चोर या चूर चूर। 13 नंबर है हमारे पास युगशी के मायने है, तारी कर देता है, खा लेता है, सोता है, रोता है। 14 नंबर है हमारे पास जफ़न के मायने है, लश्कर, काफला, लश्कर, ग्रोह, लश्कर की, लश्कर कशी की सूरत में। 15 नंबर है हमारे पास रमईता के क्या मायने है, या रमईता के मायने है मैंने फेंका, तूने फेंका, सबने फेंका, फेंका। 16 नंबर है हमारे पास मुहिनों के मायने है कमज़ोर करने वाला, कमज़ोर हुआ, कमज़ोर, कमज़ोर होगा। फिर उसके बाद 17 नंबर है हमारे पास मुर्दिफीना के मायने हैं कतार,
लगातार आने वाले मुसलसल तसलसल। 18 नंबर है हमारे पास, सूरतुल अनफाल में मोमिनों की कितनी सिफात बयान की गई हैं? 2, 5, 3, 1। अच्छे तरीके से सोच समझ के आप लोगों ने ये करना है। अभी तक अल्फाज मायने थे। फिर है 19 नंबर, जंगी लश्कर का सरदार कौन था? जहन में रखना है क्या, जंगी लश्कर का सरदार कौन था? अबू जहल, अबू तालिब, अबू सुफियान, अबू बकर। 20 नंबर है हमारे पास, सूरतुल अनफाल कौन सी सूरत है? मदनी, मक्की, अरबी, उर्दू। सोच समझ के बच्चे आप लोगों ने नंबर दे के उसके सामने जस्ट आंसर लिखना है। 21 है हमारा, सूरतुल अनफाल में रुकुआत की तादाद कितनी है, यानी कितने रुकू हैं इसमें? 9, 7, 10, 5। 22 नंबर पे है हमारे पास, गज़वे बदर का वाकया हिजरत के कौन से साल पेश आया? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, यानी हिजरत करने के बाद गज़वे बदर का वाकया कब पेश आया? 13 नंबर पे है हमारे पास, 23 नंबर पे है हमारे पास, गज़वे बदर का दूसरा नाम क्या है? यौमुल फुरकान, यौमुल सब्त, यौम या दिन। 24 नंबर पे है हमारे पास, गज़वे बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? 10, 13, 14 या 15। आ जाएं 25 पे, मक्का से बदर का फासला कितना है? 50 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। 26 नंबर पे आ जाएं, बदर किस चीज़ का नाम है? दरिया, कुएं, हौज या तालाब, वहाँ पर क्या था कि इसका ये नाम रखा गया? 27 पे आ जाएं, गज़वे बदर में कुफार की तादाद थी 700, कुफार की तादाद 700, 1000, 800 या 900। 28 पे आ जाएं, अबू जहल को किसने कत्ल किया? माज़ और माउज़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने, बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने। जी 29 पे आ जाएं, तकवा के कितने इनामात हैं? 3, जब इख्तियार करते हैं तकवा तो उसके सिले में अल्लाह कितने इनामात अनायत फरमाते हैं? 3, 5, 4 या 2। 30 नंबर पे आ जाएं, माल गनीमत के कितने हिस्से किए गए? 5, 4, 2 या 3। ये भी आप लोगों ने माल गनीमत की तकसीम इसका पढ़ा है। 31 पे आ जाएं, 31 नंबर है, 4 हिस्से किन लोगों में तकसीम किए जाते? सोच समझ के करना है, मुजाहिदीन में, कुफार में, मुसलमानों में, मुसलमान में या मोमिन। 32 नंबर पे है हमारे पास, इब्ने सबील किन लोगों को कहा जाता है? मुसाफिर को, कर्जदार को, यतीम को या मिस्कीन को। 33 नंबर पे आ जाएं, गज़वे बदर में मुसलमानों की तादाद क्या थी? 313, 300, 200 या 113। 34 नंबर पे आ जाएं, गज़वे बदर का वाकया किस महीने में पेश आया? रमज़ान, शवाल, रजब या शाबान। 35 नंबर पे आ जाएं, गज़वे बदर में मुसलमानों के पास कितने ऊंट थे? 70, 60, 50 या 40। 36 नंबर पे आ जाएं, सूरतुल अनफाल में कितनी आयात हैं? 75, 80 यानी 75, 80, 65, 65, 55, 55। अब आ जाएं 37 नंबर पे, सूरतुल अनफाल किस पारे में है? 9वें 10वें यानी 9-10 में, 9वें 10वें या 12वें। 38 नंबर पे आ जाएं, तिजारती काफले का सरदार कौन था? अबू सुफियान, अबू जहल, अबू तालिब, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु ताला। 39 पे आ जाएं,
मुसलमानों के पास गज़े बदर में कितनी तलवारें थीं? 8, 7, 6 या 5? 40 नंबर पे आ जाएं। अबू सुफियान के काफ़िले में तिजारती माल कितना था? 10,000, 12,000, 11,000, 50,000 मालियत का। जो काफ़िला चला था उसमें कितनी मालियत का सामान था, ठीक है, ये बताना है। फिर 41 पे है, गज़े बदर में फतह किन लोगों को हुई, यानी किन को हुई थी? कुफार को, मुशरिकीन को, मुसलमानों को या मुर्दारों को? 42 पे आ जाएं, गज़े बदर में अल्लाह ने क्या भेजे थे? फरिश्ते, जिन, मुसलमान या कुफार? 43 पे आ जाएं, अल्लाह ने आसमान से क्या भेजी, यानी गज़े बदर से पहले? बारिश, आंधी, तूफान या मेंढक? यानी किस चीज़ की कमी थी तो अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया किस से? 44 नंबर पे हैं, गज़े बदर में कैदियों की तादाद क्या थी? 40, 70, 30 या 20? 45 नंबर पे है, गज़े बदर में कुफार कितने मारे गए? 70, 60, 50 या 100? 46 नंबर पे हैं, अल्लाह ने मुसलमानों की तस्कीन के लिए उन पर क्या तारी कर दी? नींद, चादर, बारिश, धूप? 47 नंबर पे हैं हमारे पास, अबू सुफियान गज़े बदर में मारा गया था? हाँ, नहीं, पता नहीं, कोई नहीं। 48 पे है, बारिश में मुसलमानों ने क्या बनाए? बर्तन, हौज, घड़े, मटके? 49 नंबर पे है, इंसान की फितरत में दैश का शऊर रखा गया है, नेकी और बदी, बदी, नेकी, गुनाह? 49 नंबर पे है हमारा। अब 50 नंबर पे है हमारे, जिसने मेरे नबी की अतात की उसने गोया मेरी अतात की। ये हदीस है, आयत है, कौल है या बात है? 51 नंबर पे है हमारे पास, दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। 51 नंबर पे है हमारे पास, दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर भेजने का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरतुल अहज़ाब, सूरतुल अनफाल, सूरतुल बकरा, सूरतुन निसा। फिर है हमारे पास 52 नंबर पे, फजीलत वाला अमल कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा, दुआ, नमाज। 53 नंबर पे है हमारे पास, बेहतरीन दुआ कौन सी है? अस्तग़फ़ार, कलमा, ज़िक्र, दुआ। 54 नंबर पे है, इल्म की तलब किन पर फ़र्ज़ है? मर्द और औरत, सिर्फ औरत पे, मर्द पे या बच्चों पर? 55 नंबर है हमारे पास, क़ुरान का मौजू क्या है? इंसान, हैवान, जानवर, फरिश्ते? 56 है हमारे पास, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजा तो अल्लाह ने दैश का दरवाज़ा खोला, आफियत का, दोज़ख का, जन्नत का, जहन्नुम का? 57 है नंबर हमारे पास, मेरी उम्मत में दैश झूठे होंगे, 30, 20, 10, 40। 58 नंबर पे है हमारे पास, दैश ने फरमाया जो शख्स नबूवत के झूठे दावेदार से दलील मांगेगा तो वो मुसलमान नहीं। इमाम अबू हनीफा, एक शख्स ने, अब्दुल मलिक, हाकिम इराक ने। 59 नंबर पे है हमारे पास, ख़त्म नबूवत का जिक्र कुरान में डैश आयात में है, यानी जिक्र कितनी आयात में आया है? 100, 300, 200 या 500? 60 नंबर पे है हमारे पास, ख़त्म नबूवत के मुतालिक कितनी अहदीस हैं? 210, 510, 310, 110। 61 नंबर पे है हमारे पास,
जंगे यमामा में कितने सहाबा कराम शहीद हुए? 1200, 1000, 1100, 1300। 62 नंबर पे है हमारे पास, ए लोगो अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया। ये क्या है, आयत है, हदीस है, कौल है या बात है? 63 नंबर पे है हमारे पास, अताअत के बगैर क्या ज़ाया होते हैं? आमाल, एतदाल, अतवार, एहसानात। 64 नंबर पे है हमारे पास, मोहब्बत इलाही दैश का नाम है, उस्वाए रसूल की पैरवी, इत्तेबा, सुन्नत। 65 नंबर पे है हमारे पास, अताअत में मुकम्मल दैश दरकार होती है, खुद सपुर्दगी, अताअत, मोहब्बत, चाहत। 66 नंबर पे है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए हदायत का डैश सहीफा लेकर आए, अबदी, आर्जी, आखरी, पहला। 67 नंबर पे है, फरमा दीजिए कि ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का डैश बनकर आया हूँ। ये क्या है, आयत है, हदीस है, बात है या कौल है? 68 नंबर पे है हमारे पास, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने नबूवत के किस झूठे दावेदार को कत्ल कर दिए, यानी उनके दौर में जिसने नबूवत का झूठा दावा किया तो उसको हज़रत अबू बकर सदीक ने कत्ल किया था, करवाया था। मुस्लिमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, मुगीरा या समान। 69 नंबर पे है, कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए क्या कहा गया है? मुहैमन, तोहफ़ा, वज़ाइफ या इबरत। 70 नंबर पे है, कुरान मजीद डैश अरसे में नाजिल हुआ। 23, 20, 22 यानी 22, 21 यानी 21। 71 नंबर पे है हमारे पास, कुरान का मतलब डैश है, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, फिर है नसीहत या अकल। 72 नंबर पे है हमारे पास, डैश में कुरान की इबारत रख दी जाती है, यानी कौन सी जगह थी जहाँ पर कुरान की इबारत रख दी जाती? घर में, मस्जिद नबी में, मस्जिद में या कमरे में। फिर हमारे पास है 73, जामेउल कुरान की को यानी किन को कहा जाता है? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कुरान मजीद को जमा करने का कारनामा किसने किया था? 74 नंबर पे है, कुरान की तिलावत बड़ी डैश है, नेकी है, गुनाह है, सवाब है या अजर है? 75 नंबर पे है हमारे पास, कुरान के एक हर्फ की तिलावत करने पर डैश नेकियां मिलती हैं, 10, 30, 20 या 50। 77 नंबर पे है हमारे पास, 76 नंबर पे है हमारे पास, अल्लाह कुरान की वजह से कौमों को डैश अता करता है, सरबुलंदी, इज्जत, गैरत या बेइज्जती। 77 नंबर पे है हमारे पास, कुरान की हिफाजत का जिम्मा डैश ने लिया, अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इंसान ने या जिनों ने। 78 नंबर पे है हमारे पास, कुरान मजीद के नुस्खों में एक डैश का फ़र्क नहीं, लफ्ज़, जुमलों, मजमुओं या सफ़ों। 79 नंबर पे है हमारे पास, कुरान मजीद नाजिल होने के साथ साथ लिखा और डैश होता रहा, लिखा और डैश होता रहा, हिफ्ज होता रहा, मिटता रहा, गुम होता गया या भूलता गया। 80 नंबर पे है हमारे पास, डैश ने कुरान के नकूल सूबाई दारुल हुकूमतों में भिजवाए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। 81 नंबर पे है हमारे पास, दुनिया और आखिरत की हकीकी डैश पर अमल करने में है, फलाह, इज्जत, मेहनत, तरक्की। 82 नंबर पे है हमारे पास, कुरान को बड़ी डैश हासिल है, फजीलत,
बरतरी, इज्जत या तरक्की। 83 नंबर पे है हमारे पास, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डैश रहो, घबराए, डरते, मरते, खौफजदा। 84 नंबर पे है हमारे पास, तुम्हारे रब की कसम ये लोग उस वक्त तक डैश नहीं हो सकते जब तक अपने तनाज़ात में आपका हुक्म ना माने, काफिर, ईमान वाले, मुसलमान, दीनदार। 85 नंबर पे है हमारे पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी डैश के बाप नहीं, मर्द के, औरत के, बच्चे के, इंसान के। 86 नंबर पे है हमारे पास, वाजिलत के मायने हैं डरते मरते हैं, यानी डरते हैं, मरते हैं, सोते हैं, रहते हैं। 87 नंबर पे हमारे पास, युसाकूना की क्या मायने हैं, वो हांके जाते हैं, वो लेट जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं। 88 नंबर पे हमारे पास, अल आनाक के क्या मायने हैं, गर्दनें, जोड़ जोड़, पूर पूर, मोर मोर। लियुबलिया के मायने हैं, 89 नंबर पे है, ताकि वो आजमाए, ताकि वो जाए, कमाए, जाए। 90 नंबर पे है हमारे पास, शर्रद दवाब के मायने हैं, इंसान, हैवान, जानवर, बदतरीन किस्म के जानवर। 91 नंबर पे है हमारे पास, मालो दौलत और इंसान के लिए डैश है, आजमाइश, मालो दौलत और औलाद इंसान के लिए डैश है, आजमाइश, गुना, सवाब या अजर। 92 नंबर पे है हमारे पास, तस्दियातुन के मायने हैं, तालियां, गालियां, बालियां, जालियां। 93 नंबर पे है हमारे पास, फयर कमहू के मायने हैं, वो जमा करे उसे, वो दे उसे, वो भेजे उसे, वो ले उसे। लफशिल तुम के मायने हैं, भागते, जागते, नामर्दी दिखाते, घूमते। 95 नंबर पे है हमारे पास, युकल्लिलु के मायने हैं, कम दिया, कम करके दिखाता है, ज़्यादा दिया, ज़्यादा। 96 नंबर पे है, जंगे बदर के कैदियों से क्या लिया गया था, जुर्माना, कराया, फिदिया, टैक्स। 97 नंबर पे है हमारे पास, अल्लाह ताला ने गज़े बदर के दिन कितने फरिश्ते भेजे, 1000, 500, 100 या 200। 98 पे है, गज़े बदर हक और डैश का पहला मार्का था, बातिल, झूठ, सच, कुफर। 99 नंबर पे है, नबी की मौजूदगी में डैश नहीं आता, अजाब, कुफर, काफिर, मुशरिक। 100 नंबर पे है हमारे पास, कुफारे सैयाद का मतलब डैश है, गुनाहों का बदल, गुनाहों का बदल, गुना, दलील, रोशनी। तो बच्चे, ये आप लोगों के MCQs थे 100, और ये सारे के सारे आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं, सोच समझ के, और ये आप लोगों का सिलेबस है। इंशाल्लाह फिर पहले आप लोग इसको याद कर लें, अच्छे तरीके से बुक्स में देख लें, फिर उसके बाद आप लोगों ने सॉल्व करने हैं।